तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि यदि हमारे ब्रेक्स फेल हो जाते हैं 80 की स्पीड पर तो किस तरीके से हम कार को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आपके ब्रेक फेल हो तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि हम पैनिक ना हो और एक बार इमीडिएटली 1 से 2 सेकंड में इमीडिएटली ब्रेक पेडल पर पाँव मारकर देखें। कभी कभी ब्रेक्स इस तरीके से आ जाते हैं। यदि 1 या 2 सेकंड में ब्रेक पेडल पर पाँव मारने से ब्रेक नहीं आते हैं तो इमीडिएटली आप एक काम करें, सपोज करें आपकी कार 4th गियर में चल रही है, आप जैसा देख रहे हैं 4th गियर चल रहा है और आपको कार को रोकनी है तब जब आपके ब्रेक्स नहीं है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 2 तरह की ब्रेकिंग यहां पर है, इंजन ब्रेकिंग और हैंड ब्रेक ब्रेकिंग। सबसे पहले हम इंजन ब्रेकिंग का यूज करते हुए आप देखिए किस तरीके से इसको कार को रोकते हैं। 4th गियर में चलते हुए कार को आप सबसे पहले आप अपने हैंड ब्रेक को आधा खींचें इस तरीके से। इससे नेचुरली इस पे ब्रेक्स लगेंगे और कार की स्पीड काफी हद तक कम होगी। अब इसे हम इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हुए 3rd गियर में लाएंगे और क्लच को दबाते हुए वापस से 2nd गियर में लेंगे। 2nd गियर में लेने के बाद जब स्पीड काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज्यादा है और गियर हमने बहुत छोटा 2nd गियर में कार को ले ली है, तो इंजन इस स्पीड को रेजिस्ट करेगा और स्पीड काफी हद तक कम हो जाएगी। अब इस सिचुएशन में हम अपने हैंड ब्रेक को पूरा खींच देते हैं और आप पाएंगे कि आपकी कार इमीडिएटली सेफली वहीं के वहीं रुक गई है, वो भी सिर्फ 8 सेकंड में। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इस कार को 80 की स्पीड पर लेके जा रहा हूं और आपको रोक के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसे इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट 80 की स्पीड पर आ गए हैं। अब यदि हमारे ब्रेक्स फेल हो जाते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप, हमें अपना हैंड ब्रेक हाफ अप्लाई करना है। यहाँ मैं अपने हैंड ब्रेक को आधा लगाता हूँ और इमीडिएटली 3rd गियर 2nd गियर डालने के बाद थोड़ा सा जैक लगेगा, गाड़ी स्लो हो जाएगी और अब इस स्पीड पे मैं इसे यहाँ पर कार को रोक देता हूँ। इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा कि सिर्फ 8 सेकंड में हमारी कार अपनी की जगह पर आकर रुक गई सेफली। आई होप आपको इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन इन केस यदि आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी आप कभी खाली समय में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि जब इमरजेंसी हो तो आपको परेशान ना होना पड़े। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी।